दोस्तों, वैदिक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि समस्त वेदों का ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है। दोस्तों, चावल तो हम सभी के घर में खाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चावल का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जा सकता है? बहुत से सुपर मॉडल और अभिनेत्रियां त्वचा की देखभाल के लिए घरेलू उपायों को ही प्राथमिकता देती है, और इनमें पके चावल का पानी यानी मांड भी खास है। सप्ताह में एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो ब्यूटी से जुड़ी कई समस्याओं का निदान आसानी से हो जाएगा। दरअसल मांड के इस्तेमाल से त्वचा की रंगत निखरती है, चेहरे के दाग धब्बों और झुर्रियों को भी दूर करने में चावल का पानी मददगार होता है। इसके अलावा मांड से त्वचा में कसावट आती है और पोर्स टाइट होते हैं, क्योंकि इसमें लवण, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे त्वचा में नमी बरकरार रहती है। मांड एक अच्छा क्लींजर का भी काम करता है, तो आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल का सही तरीका। सबसे पहले आपको एक कप चावल को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और उसे पानी से अच्छे से धो लेना है। अब चावल वाले बर्तन में ही इसे पकाने के अनुपात से पानी डालें। इसे चावल की मात्रा से दोगुना से थोड़ा ज़्यादा पानी रखें और इसे आधे घंटे के लिए बर्तन को ढक कर रख दें। इससे चावल में मौजूद पोषक तत्व पानी में घुल जाएंगे। आधे घंटे के बाद इस बर्तन को गैस पर रख दें और चावल को पकने दें। अब चावल पकने के बाद उसका मांड निकाल लें और इस पानी को ठंडा होने के लिए रख दें। बाद में इस पानी से अपने चेहरे पर हल्के हाथ से मसाज कर लें। 10 मिनट मसाज के बाद इसी पानी से अपना चेहरा धोकर साफ सूखे कपड़े से चेहरा पोंछ लें। आपको त्वचा में बदलाव नजर आएगा। आपको अपनी त्वचा साफ और चमकदार नजर आएगी। कई लोग इस पानी को बालों में चमक लाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों और वेदों द्वारा दिया गया ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है, और इस ज्ञान में ही सारी समस्याओं का समाधान है।